रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ हदीखा सलीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इंशाल्लाह आज हम अत्तकल्लुम अल अरबी में तरीक़तुल असरिया का दरसुल आशर यानी दसवां सबक पढ़ेंगे, और इसमें हम जानेंगे कि किस तरह से अगर हमें एक चीज़ की तरफ इशारा करना हो तो हम किस अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं, और अगर दो चीज़ों की तरफ इशारा करना हो तो हम किस तरह से जो है कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाता है दिस, और बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है दीज, ठीक है। तो ठीक है, इस तरह से दीज इस्तेमाल किया जाता है, दिस और दीज, यानी एक अगर चीज़ की तरफ इशारा किया जाओ तो दिस इज़ अ बॉल कहा जाएगा, और अगर बहुत सारी चीज़ें हैं तो दीज आर द बॉल्स, ठीक है। ये सारी जो हैं बॉल्स हैं, गेंदे हैं, ठीक है। इस तरह से हम जो है आज पढ़ेंगे कि किस तरह से अगर एक चीज़ हो तो उसकी तरफ इशारा किया जाएगा, अगर दो चीज़ें हैं तो किस तरफ उसकी तरफ इशारा किया जाएगा, ठीक है, किस तरह से उसकी तरफ इशारा किया जाएगा। तो देखिए, हाजा किताबुन, हाजा के मैंने आपको बताया कि जब कोई चीज़ आपके करीब हो, ठीक है, तो तब उससे यानी हाजा से इशारा किया जाता है। तो हाजा किताबुन ये किताब है, वह हाजा किताबुन और ये किताब है, ठीक है। हाजा किताबुन व हाजा किताबुन यानी दो किताबें रखी हुई हैं, आपने अलग उसके लिए बताया कि ये किताब है और ये किताब है, ठीक है। अब आपने एक दोनों को कलेक्टिवली किस तरह कहना है, दोनों को मिलाकर किस तरह कहेंगे आप कि हादानी किताबानी, ठीक है, हादानी किताबानी। अब आपने क्या किया, दोनों के बारे में बता दिया कि ये दो किताबें, पहले आप कह रहे थे कि ये एक किताब है, ये एक किताब है, आपको दो मरतबा बात करनी पड़ी थी। अब आपने क्या किया कि ये दो किताबें, एक ही जुमले में दोनों का जिक्र आ गया। तो अब ये कैसे मुमकिन होता है, हादानी के ज़रिए से। हादानी एक इसमें इशारा लफ्ज़ होता है, यानी इसके ज़रिए से किसी करीब की चीज़ की तरफ इशारा किया जा सकता है जबकि वो दो हों। अब आपने किताबुन से किताबानी कैसे बनाना है, तो आपने बस किताबुन के आगे अलिफ नून ज़बर आ, अलिफ ज़बर आ और नून ज़ेर नी लगा देना है, तो ये बन जाएगा किताबानी। इसी तरह हर इसम के साथ होता है, कलमुन कलामानी, रजुलुन रजुलानी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं उनके साथ, सब के साथ इसी तरह होगा कि उनके आखिर में अलिफ और नून बढ़ा देंगे तो वो दो के लिए बन जाएगा। यानी एक जो है किताबुन एक पर दलालत करता है, किताबुन एक के लिए होता है, और किताबानी दो के लिए होगा। हाजानी किताबानी ये दो किताबें, ठीक है। उसके बाद देखिए, हाजा कलमुन व हाजा कलमुन, ये एक कलम है और ये एक कलम है, यानी दो अलग अलग कलमों के बारे में हमने दो बातें करनी पड़ी थी। अगर हमने कलेक्टिवली इसको एक साथ बोलना है तो हम कैसे कहेंगे, हादानी कलमानी, ये दो कलम है, यानी दो ये दो पेन हैं, ठीक है, ये दो पेन हैं, दो कलम हैं। तो इसमें आपने क्या किया, कलम के आगे मीम अलिफ ज़बर मान नून ज़ेर नी कलमानी कर दिया, बस दैट्स इट, ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद हाजा तिलमीज़ुन, ये शागिर्द है, वह हाजा तिलमीज़ुन और ये शागिर्द है। अब आप दो शागिर्द आपके करीब मौजूद थे, आपने एक की तरफ पहले इशारा करके बताया, फिर दूसरे की तरफ इशारा करके बताया, कहा पहले कि हाजा तिलमीज़ुन ये एक शागिर्द है, वह हाजा तिलमीज़ुन और ये एक शागिर्द है। अब आपने कलेक्टिवली कहना है, कैसे कहेंगे, हाजानी तिलमीज़ानी, जानी यानी जाल के आगे क्या करेंगे, अलिफ और नून बढ़ा देंगे तो ये बन जाएगा तिलमीज़ानी, हाजानी तिलमीज़ानी, ठीक है। उसके बाद देखिए, माँ हाजानी ये क्या है, ये दोनों क्या हैं, माँ हाजानी ये दोनों क्या हैं, तो माँ हाजानी के ज़रिए से सवाल किया जाएगा। अगर आपने पूछना है कि दो चीज़ें आपके पास गैर मालूम पड़ी हुई हैं, यानी आपको नहीं समझ आ रहा है कि ये क्या है, आप किसी करीबी बंदे से पूछ रहे हैं अपने कि भाई बता दो कि ये क्या है, माँ हाजानी ये क्या है, तो वो किस तरह जवाब देगा, सवाल इस तरह होगा, माँ हाजानी ये क्या है, जबकि वो चीज़ हो, ठीक है। तो हाजानी किताबानी, वो सामने वाला बंदा आपसे कहेगा हाजानी किताबानी ये दो किताबें हैं, माँ हाजानी ये क्या है, हाजानी कलमानी ये कलम है, ये दो कलम हैं, मन हाजानी, ठीक है। अब देखिए, ये तो चीज़ों के हवाले से माँ माँ के ज़रिए से सवाल कर रहे थे, ठीक है, माँ के ज़रिए से सवाल कर रहे थे, जैसे इंग्लिश में वॉट के ज़रिए चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है वॉट, ठीक है, जबकि किसी पर्सन की बात करनी हो तो उसके लिए हम वो का इस्तेमाल करते हैं, वो कौन, उसी तरह मन इस्तेमाल होता है कि मन का मतलब होता है कौन, मन हाजानी ये दोनों कौन है, आपके घर में कोई आया हुआ है तो आप किसी अपने बहन भाई से पूछ रहे हैं मन हाजानी ये कौन, ये दोनों कौन है, तो वो जवाब देंगे हाजानी तिलमीज़ानी, जो भी उसके मुताबिक जवाब होगा। हाजानी तिलमीज़ानी यहाँ पर जवाब है कि हाजानी तिलमीज़ानी ये दोनों शागिर्द हैं। मैंने आपको तरीक़ेकार बता दिया कि किस तरह जवाब देंगे, किस तरह सवाल बनाएंगे। उसके बाद देखिए, हाजी ही हातानी, अगर दो चीज़ें हैं आपके सामने मौजूद, वो आपसे करीब हैं,
लेकिन वो क्या है, मोनस है। मोनस से मुराद ये है कि वो लफ्ज़ जो है, वो जो चीज़ है, वो अरबी ज़ुबान में मुस्तमिल होती है मोनस के तौर पर, ठीक है। अरबी ज़ुबान में उसको मोनस समझा जाता है, सही। जैसे हमारे पास हिरन होगा तो हिरन को अरबी ज़ुबान में, यानी कि हिरन और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम क्या लेते हैं, मोनस लेते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम क्या लेते हैं, मुज़क्कर लेते हैं, ठीक है। तो मुज़क्कर और मोनस के एतबार से हम आ रहा है या जा रहा है या आ रही है या जा रही है कहते हैं ना, तो अरबी ज़ुबान में भी इसी तरह से होता है कि कुछ इसम जो है मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं, कुछ जो है मोनस इस्तेमाल होते हैं। जैसे हम पानी के बारे में कहेंगे कि पानी आ रहा है, ठीक है, तो पानी को, पानी में कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं थी, यानी पानी में कोई ऐसी अलामत मौजूद नहीं जिसको हम जो है मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल कर लें। लेकिन हमारे पास क्या है, इसका इस्तेमाल ही ऐसा होने लगा कि पानी को हम मुज़क्कर के तौर पर कहते हैं, ठीक है, पानी को मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, हालांकि उसमें कोई एक अलामत मौजूद नहीं है कि उसको मुज़क्कर इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी हमारे उर्फ में मशहूर हो गया, हम इसी तरह इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया हमने। उसी तरह अगर बिजली की बात करूँ तो बिजली आ रही है, इस तरह कहते हैं हम नॉर्मली, तो बिजली आ रही है, यानी कि बिजली को हमने क्या ले लिया है, मोनस के तौर पर ले लिया है। इसी तरह हर ज़ुबान में होता है कि कुछ अस्मा को वो क्या करते हैं कि मोनस शुमार कर लेते हैं, कुछ अस्मा को वो मुज़क्कर शुमार कर लेते हैं। तो अगर अरबी में वो लफ्ज़ जो है मोनस इस्तेमाल होता होगा तो उसके साथ पहले एक के लिए तो हाजी ही आएगा, अगर उसकी तरफ इशारा करना है। अगर वो दो चीज़ें हैं तो उनके लिए हातानी इस्तेमाल होगा, ठीक है। बस इतनी बात थी, इतनी लंबी तमहीद मैंने बांधी इस वजह से कि आपके समझ में आ जाए। देखिए, हाजी ही सातुन, ये घड़ी है। सातुन का लफ्ज़ जो है अरबी ज़ुबान में वो क्या मुस्तमिल होता है, वो मोनस मुस्तमिल होता है। अच्छा, अरबी ज़ुबान में जो चीज़ें मुस्तमिल होती हैं मोनस, उनकी कुछ अलामतें होती हैं और कुछ जो है ना सिमाई होती हैं। खैर, वो उसमें पढ़ने की, उस झगड़े में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बातें आपको बतानी ज़रूरी हैं मैं आपको बताऊंगी, ताकि आपको पता चले कि मैं मुझे इसके साथ जो है मोनस वाला, यानी मोनस जैसा समझ के इसको मोनस वाली चीज़ें लगानी है, और इसको मुज़क्कर समझ के इसको मुज़क्कर के कायदे पे रखकर इसका इस्तेमाल करना है। तो देखिए, अरबी ज़ुबान में एक पहचान होती है कि अगर किसी इसम के आखिर में इस तरह से गोलत आए, ठीक है, तो वो आम तौर वो क्या होती है, वो मोनस होती है। तो अब देखिए, सातुन के आखिर में गोल तार ही थी, दैट्स वाई हमने क्या कहा है इसको, सातुन, ये घड़ी का लफ्ज़ जो है ये मोनस है, और हमने इसके साथ क्या इस्तेमाल किया, हाजी ही। अब दो होंगी तो हाजी ही हातानी इस्तेमाल होगा, सही है। हाजी ही सातुन व हाजी ही सातुन, ये एक घड़ी है, ये एक घड़ी है, हातानी सातानी, ये दो घड़ियाँ हैं। जैसे मैंने आपको पिछला बताया ना, बिल्कुल उसी तरह है कि पहले एक एक करके कह रहे थे कि ये एक घड़ी है, ये एक घड़ी है, दो अलग अलग जुमले कहने पड़े थे। अगर कलेक्टिवली कहेंगे तो कैसे कहेंगे, हातानी सातानी, ये दो घड़ियाँ हैं। उसके बाद हाजी ही कुर्रासतुन व हाजी ही कुर्रासतुन, ये एक कॉपी है, ये एक कॉपी है, और हातानी कुर्रासतानी, ये दो कॉपियाँ हैं, ठीक है, काम करने वाली नोटबुक जो होती है। हाजी ही तालिबतुन व हाजी ही तालिबतुन, ये एक तालिबा है, ये एक तालिबा स्टूडेंट है, ठीक है, और हातानी तालिबतानी, ये दो तालिबा हैं, ठीक है, ये दो स्टूडेंट्स हैं। माँ हातानी, वो कौन है, यानी ये दोनों कौन हैं, दो लड़कियाँ मौजूद हैं तो उनके बारे में पूछा जा रहा है, ये दोनों कौन हैं। माँ हातानी, यानी वो चीज़ें जो मुअन्नस इस्तेमाल होती हैं, यहाँ पर इंसानों की बात तो नहीं हो रही, क्योंकि माँ के ज़रिए से सवाल चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है तो यहाँ पर जो है मुअन्नस की बात, लेकिन वो जानदार नहीं है, गैर जानदार की बात है। माँ हातानी, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों यानी मुअन्नस इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के बारे में पूछा जा रहा है कि ये दोनों क्या हैं। माँ हातानी, ये क्या है, हातानी सातानी, ये दो घड़ियाँ हैं। माँ हातानी, ये क्या है, हातानी तालिबतानी, ये दो तालिबात हैं। माँ हाजानी, ये दोनों क्या हैं, अब ये मुज़क्कर की बात हो रही है, आपने गौर करना है कि हातानी जब आएगा वो मोनस की बात हो रही होगी, हाजानी जब आएगा वो मुज़क्कर की बात हो रही होगी। माँ हाजानी, ये दोनों क्या हैं, हाजानी किताबुन व कलमुन। अगर देखें पहले वाली क्या चीज़ थी, किताबें, दो किताबें थी तो हमने किताबानी कर दिया था, दो कलम थे तो कलमानी हो गया था। लेकिन अगर दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन सवाल मुतकल्लिम यानी सवाल करने वाला आपसे सवाल कर रहा है कि ये दोनों क्या हैं, तो आप उसका नाम अलग अलग करके बताएंगे, ये नहीं कि दोनों को कलम बोल देंगे। अगरचा वो कलम, एक कलम और एक किताब है, आप कैसे उसको बदल सकते हैं, आप वही जवाब देंगे उसके मुनासिब। जैसे उर्दू में कोई हमसे पूछता है ये दोनों क्या है, तो हम जो हकीकत है वही बताएंगे ना कि ये कलम है और ये कॉपी है। उसी तरह अरबी ज़ुबान में कहेंगे कि हाजानी, हाजानी का लफ्ज़ इसलिए आ रहा है कि चीज़ें दो हैं, ठीक है, लेकिन अलग अलग उनका नाम ज़रूर आएगा कि हाजानी कलम उन व किताब उन, हाजानी किताब उन व कलम उन। मन हाजा, मन के ज़रिए से किसका सवाल होता है, आपको पता है, आकिल का सवाल होता है, जानदार का सवाल होता है। तो मन हाजानी, ये दोनों कौन हैं,
हाथानी खालिदुन व महमूदुन, ये खालिद और महमूद है। माँ हाथानी, ये दोनों कौन है? हाथानी साअतुन व कुर्रासतुन, ये घड़ी और कॉपी है। मन हाथानी, ये दोनों लड़कियाँ कौन है? हाथानी फ़ातिमा तो व ज़ैनबा, ठीक है, ये फ़ातिमा और ज़ैनब है। हो सकता है ये लेक्चर्स आपको बहुत आसान लग रहे हों, लेकिन या हो सकता है किसी को मुश्किल लग रहा हो। मुश्किल लगने वालों को ये कहूँगी कि देखें, आप गौर व फिक्र करें, इसके अल्फाज मायनों को याद करें, और जो मैं समझाती हूँ उसको अच्छी तरीके से, असबर तरीके से जो है आप बिल्कुल पक्के तरीके से जो है याद किया करें, सुना करें, समझा करें। और मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको जिस तरीके से, यानी जितना ज़्यादा आपको खोल कर वाजे करके समझा सकूँ मैं समझाती हूँ। उसके बाद आपका काम है कि आप इसको डीपली डीप डाउन जाकर समझें। और जिन लोगों को ये लेक्चर्स आसान लग रहे हैं कि ये तो बहुत आसान चीज़ें बता रही हैं, तो ये लेक्चर्स अगरचे अभी आसान हैं लेकिन ये बेसिक्स हैं, ठीक है। जब तक आपको ये बेसिक्स नहीं आएंगी तो आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे, और कुरान मजीद की अरबी और फिर आगे अरबी ज़ुबान नहीं समझ सकेंगे अगर ये बुनियादी चीज़ें नहीं बताऊँगी। तो बुनियादी चीज़ें ज़ाहिर है कि बुनियाद होती हैं और बिगनर्स को बताई जा रही होती हैं, इसलिए वो आसान होती हैं, लेकिन आगे उसका लेवल जो है बहुत ज़्यादा हाई फाई होता है। इस वजह से आपने इन बातों को स्किप नहीं करना, क्योंकि आप कहीं इसको नेगलेक्ट करेंगे कि ये तो बहुत आसान बातें हैं, इसको तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन ये जो है बुनियाद है आगे की तमाम बातों की। कुरान मजीद की जो ज़बान है उन सबको समझने के लिए ये तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इस वजह से इसको गौर व फिक्र के साथ समझें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ तमरीन है, इसको आपने हल खुद ब खुद करना होता है, ठीक है, यानी कि आप अपने पास इसको रिकॉल करा करें, अरबी में तर्जुमा करें। मेरे पास दो किताबें हैं, ठीक है, हिंदी मेरे पास, यानी पास का लफ्ज़, यानी कि मेरे पास का जो लफ्ज़ है आई हैव जिसको कहते हैं इंग्लिश में, इसके लिए जो है ना अरबी ज़ुबान में इंद इस्तेमाल होता है। इंद का मतलब होता है पास। अगर मेरे पास होगा तो आपको पता है कि जब या मुतकलम यानी अपनी तरफ नस्बत करना हो तो या लगाई जाती है, तो हिंदी किताबानी, ठीक है। मेरे पास दो किताबें हैं, दो कलम हैं कलमानी, दो तख्तियाँ हैं लौहानी, ठीक है, और दो कापियाँ हैं कुर्रासतानी, और खालिद के दो भाई और दो बहनें हैं। लि खालिदिन भाइयों को क्या बोलेंगे? अकवानी, और बहनों को बोलेंगे उख्तानी, ठीक है। अखुन और उख्तुन बोलते हैं, भाई को अखुन और बहन को उख्तुन कहते हैं। असलम के पास दो घड़ियां हैं, इंदा असलमिन सातानी, ठीक है। सईद के पास टोपियां हैं, इंदा सईदिन कलन सुवातानी, ठीक है। अभी आपको अल्फाज मायनों में तमाम अल्फाज मायने मिल जाएंगे। कमरे में दो खिड़कियाँ हैं, कमरे में फिल गुरफती शुबाकानी, ये दो दरख्त हैं ना, तो हाथानी शजरतानी, ये दो फूल हैं हाथानी जहरतानी। उर्दू में तर्जुमा करें, ली अखवानी व सदीक़ानी, ठीक है, मेरे अखवानी दो भाई व सदीक़ानी दो दोस्त हैं, मेरे दो भाई दो दोस्त हैं। अला शजरती उसपुरानी, दरख्त पर दो चिड़ियाँ हैं। हाथानी वर्दातानी, ये दो गुलाब के फूल हैं। लिल मस्जिदी मनारतानी, मस्जिद के लिए दो मीनार हैं यानी दो पिलर्स हैं उसके। लिखालिदी इब्न वाहिदिन, खालिद का एक बेटा है। वलहु बिन्तु वाहिदिन, बिन्तुन वाहिदतुन, और उसकी एक बेटी है। व फ़ातिमतु लहा अखवानी व उख्तानी व जमीलतुन वाहिदतुन, और फातिमा के अखवानी दो भाई हैं और दो बहनें हैं, और व जमीलतुन वाहिदतुन, और एक बहन है। वाहिदा का लफ्ज़ आया था इसलिए कह रहे हैं एक बहन। अत्तायरतु जनाहानी, और जो जहाज़ है उसके दो पर हैं, ठीक है, दो पर हैं उसके। लिए गुरफती बाबानी, कमरे के दो दरवाजे हैं। हाजानी, इसमें इशारा है और तस्निया मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है जबकि वो करीब हो, ठीक है, समझ आ गया, मैंने आपको बता दिया। हाथानी, इसमें इशारा है जो तस्निया मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है जबकि वो करीब हो। अगर मुफ़रद इस्म से तस्निया बनाना हो तो इसके आखिर में अन का इजाफा कर दिया जाए, आनी का इजाफा कर दिया जाता है, जैसे किताबों से किताबानी। ये भी मैंने आपको तरीक़ेकार बता दिया। अल्फाज के मायने, हाजानी ये दो मुजक्कर के लिए, हाथानी ये दो मुअन्नस के लिए, ली मेरे पास मेरे लिए, तो आयरतुन हवाई जहाज़, जनाहानी दो पर, इंदी मेरे पास, कलन सुवतुन टोपी, जहरतुन फूल, तस्निया दो, लिखालिदिन खालिद के या खालिद के लिए, लौहुन तख्ती, ठीक है। उख्तुन कैसे लिखते हैं मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि अल्फाज मायनों में लफ्ज़ नहीं आया। उख्तुन बहन, और अखुन भाई, ठीक है, उख्तुन बहन के लिए आता है और अखुन भाई के लिए आता है। उम्मीद करती हूँ लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाएँ। बाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम।